के देख देख लो लो एक तरह की इंट्रो कर लेंगे। या मैं ट्राइपॉड ले आने की मसला बनेगा। ठीक है आवाज है, पहले भी जब बाहर खड़े शुरू ही आ रही थी, पर इतो ही स्टार्ट कर दो, वीडियो चला दो। वीडियो तो मैंने ऑन कर दी सी। हाँ जी इधरों तो मैं करती है जी, ये आवाज आ रही है जिसमें अंदर कुछ रिकॉर्ड अंदर करियो कैमरा रिकॉर्ड हुई क्या जी? हाँ हाँ मैंने देखा यार, इधर इधर अल्लाह अकबर, इस जगह वो सामने उधर अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर अल्लाह अकबर से। चार भाई जो है जी हाँ, इस जगह मैंने देखी है जी, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर इस जगह बिल्कुल छोटे से घर की थी, इतना सा उसका घर था यार, और बिल्कुल स्याह रंग की हुई होगी, हुई होगी इधर कैमरा मेरा उसी डायरेक्शन में था, हुई होगी रोंगटे खड़े हुए। नीचे से दिखा दी, मैं दिखाया नीचे से दोनों तरफ से। अंदर दाखिल हुए हैं ये सर भाई, मैं आपके बिल्कुल यहाँ पीछे थे, ये जो कपड़ा डाला गया ना एकदम से ऐसे हुए, ये तो बिल्कुल आपके सामने हो गए। इसके नीचे तो नहीं कोई चीज, तो उससे ज़्यादा सब वही मामलात जो हैं इस जगह हैं जैसे हमें बताए गए हैं, उससे भी ज़्यादा जो है वो इंट्रो तो हम नहीं कर जो है वो कर पाए, तो इसकी जो डिटेल है वो आप दोस्तों को हम बताते हैं, जो हमें बताई गई है। और शायद भी आप जैसे कि हम कैमरे, अब भी चांद भाई ने बोला कि वो ऑन है, उससे पहले भी जो है आवाज़ें आती थी वो हुई है, तब नहीं था, मैंने अभी जब पहले हुई ना आवाज़ें, आप कह रहे दो बार उस टाइम मैंने ऑन नहीं किया, बाद में मैंने कहा ऑन कर लूँ, शायद कोई वो इत्तफाक़न ही अभी ट्राईपॉड की बात हो रही थी तो इतनी देर में इधर से आवाज़ आई, वो रिकॉर्ड हुई उस टाइम चल रही थी रिकॉर्डिंग, उससे पहले भी कुछ आवाज़ें आई थी वो नहीं उस टाइम, वो कुछ अजीब सी थी लेकिन चीख की जो आवाज़ थी ना वो नहीं रिकॉर्ड हो सकी। ये एक अजीब से बटन बंद है लेकिन फिर भी नहीं, वो लाइट ही इस किस्म की है मेरा ख्याल के लिए, बहरहाल यार मैंने इस जगह उसे देखा है, यहाँ पर बिल्कुल छोटे से गदगी थी, बिल्कुल काले स्याह रंग, इस बारे में भी दोस्तों को बताएंगे कि एक बार कैसे दिखा दें, बिल्कुल ये शावे दिखा दें ऐसे उन्होंने बांधा होगा इसे, बल्कि आप दोस्तों को बताएं जी इसी मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये देखें, हाँ ये इधर हो गया जी, बिल्कुल प्रॉपर हो गई है।
और जो है ये बता रहे थे जो इस लोकेशन के ओनर है कि ये डोर जो है ना ऐसे कुछ चीज़ से खोलने की कोशिश करती है जैसे कि अभी ये टूट जाएगा, जैसे पूरा उन्होंने हाँ जी डर के मारे इससे बंद किया है, आगे कुछ वगैरह रखा है कि कहीं वो चीज़ जो है वो डोर ओपन ना कर दे। और ये देखें रस्सियों के साथ जो है वो बांध दिया है ना प्रॉपर। और इन्होंने शरी भाई आपको भी पता है कि ऐसे बांधने से ये खुद ही हुआ अभी मैं सिर्फ इधर ही गया हूँ दिखाने के लिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे अंदर वो मखलूक है। अच्छा शरी भाई अगर तो ये बंद किया होता ना किसी आमिल ने फिर हम कह सकते थे कि वो मखलूक अंदर है, जो बाहर एक्टिविटी हो रही है ना क्योंकि इंसान है। इन लोगों ने डर के मारे बंद कर दिया है कि वो चीज़ कैद होगी, उनको ये नहीं पता कि वो जिन्नात हैं। ठीक है वो ऐसे कैद नहीं हो सकते, जैसे वो एक कह लें कि एनर्जी है ठीक है तो वो भी बाहर भी है। ये है कि अंदर जिस चीज़ के ऊपर जादू किया गया है वो इसके अंदर बड़ी है तो इस वजह से जो है जिस तरह से तो इन्होंने बताया है ना कि दरवाज़े जो हैं वो खुद ब खुद ये खुलते हैं जैसे कोई चीज़ जो है वो दरवाज़ा पकड़ के हिला रही हो, तो इसका मतलब है जी कि जो भी मखलूक है उसका कोई ना कोई कनेक्शन जो है जो अंदर चीज़ है उसके साथ है अटैच। और उनका ये भी बताना था कि उन्होंने काफ़ी सारा जो है सामान यहाँ पर रखा था जो आधा मतलब गिर भी गया है ऊपर से। और वो तो बता रहे थे पूरा दरवाज़ा कवर किया हुआ है ऊपर से सारा ऐसे ही है। आवाज़ तो आई थी हल्की सी, ये तो वॉशरूम है। यहाँ पर तो मुसलसल जो है वो मूवमेंट हो रही है। ये फिर मूव हो गए, पहले ओपन हुए अब जो है वो फिर क्लोज हो गए। इस साइड में भी है जी जब से सर भी वो बता रहे हैं कि मामलात हुए हैं तो घर से जो है ना वो तो आवाज़ें तो आती हैं चीज़ों के भी इसी तरह वो सरकती हैं, लेकिन दीवारों में भी वो बता रहे हैं दीवारों से भी कुछ इनका मकान
तीन से चार दफा तो बता रहे थे ऐसे वजह से जलजला टाइप आया है हाँ अभी न्यू बने हैं वगैरह के 4 से 5 साल हो गए ठीक है वो दराड़े हाँ जी वो देखो ना दराड़े वगैरह और ये फर्श नीचे जो हमारे ये देखिए चल रही थी ये भी बताइए इधर से ये तो उन्होंने इसको बहुत बताया लेकिन अच्छी सी पूरे घर में हो रही है जी हाँ जो शुरुआत में उन्होंने अपनी लगा हाँ यार पहले भी चोट लगी हुई थी तरफ इधर सर ऊपर लगा माथे पे बच गई है हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपके आके लगे ख्याल से यार ये भी देखें जैसे कि पूरे का पूरा जो मकान जी है ये इधर भी देखें 3 से 4 दफ़ा वो कहते हैं कि लगातार जो है वो मकान हिला है ऐसे जलजला आया तो हमने इर्द गिर्द जो लोग हैं घर वाले हैं उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि ऐसा कुछ एक याद होगा बस भी आप और मैं थे एक एपिसोड में वहाँ पर भी जो है उसी कमरे में जो है वो जलजला आया था कुछ उसी नौयत का उन्होंने कहा है जी के वो चीज दरवाजे में खड़ी है वो इस दरवाजे में खड़ी है इधर यहाँ सामने राइट साइड पे ध्यान से जैसे कोई चीज झांकती नहीं है किधर देखा था इस जगह इस जगह यहाँ तक डोर था यहाँ से ऐसे जैसे कुछ झांक रहा होता है ना मैं सामने खड़ा था एक आधे सेकंड के लिए अपने आप को जाहिर कर रही है ये बिल किस यहाँ पर ये जो डोर है ये ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरे तो एकदम से साफ रहा है चल भी आप जिस जगह खड़े हैं ना जी वहाँ पर ये देखिए ख्याल से ख्याल से ख्याल से बस इधर आ जाए ना इसी कोने में जाहिर करते हुए ड्यूटी हो रही है कैसे नहीं सर जो है ना बड़ा भारी हो गया बहुत दर्द कर रहा है ये बिल्कुल असद भाई वही निशानियाँ जो हैं वो उन्होंने वो लेडी की बताई हैं जो औरत यहाँ पर रहती हैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे मेरी नज़र मुझे ना आगे से दो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं बिल्कुल सेम उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं जी कि वो जो औरत हैं वो तो बताते हैं जी कि वो बताते हैं कि इतना शदीद दर्द होता है कि वो अपने बाल जो है खींचती है पकड़ कर ठीक है हम इंट्रो जो है वो नहीं करा पाए क्योंकि वो झलक हमें दिखी पिछली आवाज़ आई तो इसकी डिटेल्स हम बताते हैं हम दोस्तों को कि यहाँ पर जो फैमिली रहती है उनके साथ कुछ ही जो है दिन पहले कैसा वाकया हुआ कि ओवर सॉरी मुझे लगता है जी वो शेल्फ है ना वहाँ से उठ
उठकर आया कहीं से, वो सामने पड़ा, वो सामने से जैसे ये लगा पर जो है वो एक गैप है, ये क्या गिरा आवाज़, ये क्या गिरा इसको चीज नहीं, तो बात सीन से मुझे लग रहा है जैसे आवाज़ आई साथ होने रूम से। जैसे कोई चीज़ बहुत सारी हिल रही हो, ये देखिए ये बिल्कुल करीब से, ये नीचे नीचे गिलास पे हुआ है आपके बिल्कुल साथ पड़े यही तो सब समझ नहीं आ रही, कमरा उन्होंने वो बंद किया हुआ है, जगह इतनी कम है कि हमारे बिल्कुल पास पास से चीजें जो है उठ रही है। मैं ये कहने लगा था कि जगह काफी कम है तो कैमरा भी मैं सिंह के पहन नहीं कर पा रहा, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ आस पास की, मैं कोई ना कोई चीज जो है तो वो फिर से जो है इनको तो असद भाई ये भी कमरा है वैसे ही बंद कर देना चाहिए था, जिस किस्म के यहाँ पर मामला हैं आप खुद अंदाजा लगाएं जी कि उन्होंने कमरा जो है वो बंद किया है। ये देखें कि अभी इस ये अभी सरहाना जो है जी ये है, अब अगर कोई और चीज़ होती तो मैं तो उसमें ये चीज़ सोच रहा हूँ कि इस जगह ये मामला हैं, अगर हम वो कमरा खोल दें तो उस वक्त क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ दिमाग में ना इसमें यहाँ जो हो रहा है अगर हमने वो ओपन किया तो उसके अंदर क्या होगा। सी जो है जी वो बिस्तर मेरा पड़ेगा मेरा पाँव का देखे सामने आ सकते हैं दोबारा इधर भी ये जो तो स्टोन का तो नहीं पता पर इसमें बहुत ज्यादा जो है ना नंबर आ रहे। अच्छा ये देखने से भी हम इधर हैं उस कमरे से कोई ऐसी आवाज फिलहाल नहीं आई, वो जब पास गए तब भी हुई है मूवमेंट थोड़ी सी जो काफी जोर से आई पता नहीं कुछ चीज हाँ, ये नहीं हम कह सकते वो शायद इस रूम से ही वो गिरी हो, बहुत जोरदार सी आवाज ऐसा ही है। मेरे ख्याल में ग्लास जो है वो यहाँ से ये निशान बना हुआ है जी इस जगह से, मेरे ख्याल जो ग्लास है ना वो क्योंकि जैसे ये पड़े हैं हाँ। लाइन में शायद वो भी पड़ा हो इसी जगह हुआ। सर भी जिस जगह आप खड़े हैं ना बिल्कुल वो उस कॉर्नर में जो है ना जी मैंने अपनी आंखों से देखा है जी बिल्कुल स्याह रंग का जो है ना जी वो मैंने शायद भी यहाँ पर देखा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ डोर यहाँ था और यहाँ से जैसे कोई चीज़ झांक रही है एकदम से मैंने ऐसा लॉक
अल्लाह किचन है या क्या है देख लो किचन इसकी छतें काली हैं पेड़ की और रोशनी आग किस रूम में लगी थी आग कहाँ पे लगी थी पर यही लग रहा है यही है ये देखिए यहाँ पर ये देखिए सारा जला हुआ है इस रूम की ज़रा हालत दिखाइएगा जी कैसे काला हो जो भी इन्होंने सेटिंग की है सामान रखे बाकी दो ये मेरे ख्याल में कोई धुएं के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में ये रखा है ये अजीब सा है जी यहाँ पर इसमें ये कुछ ध्यान से कुछ हो नहीं सकता क्या पड़ा इसमें ये रस्सा भी जा रहा है मेरा ख्याल तुम साथ यार कोई यार मुझे प्रॉपर हाथ फील हुआ है ये वो पीछे में रूम टूटा हुआ है ना सारा खंडर बना हुआ है इसकी उन्होंने ज्यादा नहीं दी ये उसी के रास्ता लग रहा है मुझे यार ये अब मुझे कोई किसने जोर से पकड़ कैसे मेरा बाजू जो है वो खींच दिया यार वही है कुछ चीज लग रही थी पहले मैं भी देखने लगा था तुमसे देखने के लिए गया अभी बची है ठीक हाँ बची है प्रॉपर मुझे हाथ फील हुआ है बिल्कुल मैंने जब पकड़ा है बड़ा जोर लग रहा था आपको खींचने में और देखिए हाँ दोस्त की कितनी इसके ऊपर जो है वो तय लगी हुई है ये रस्से के साथ जो है इस दरवाजे को बंद कर दिया है उनको ऐसा लगता है जी कि वो चीज़ जो है वो अंदर ही कैद कर दी है ध्यान से खींचो